है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है फॉर बिगनर्स। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम मेहंदी के कोन को किस तरीके से होल्ड करें और किस तरह से चलाएं। तो फ्रेंड्स, हर मेहंदी आर्टिस्ट का कोन को चलाने का और कोन को होल्ड करने का जो कम्फर्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का होता है। आज मैं आपके साथ मेहंदी के कोन को होल्ड करने की और मेहंदी के कोन को चलाने की बहुत सारी टेक्निक शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से आप मेहंदी के कोन को होल्ड कर सकते हैं और मेहंदी के कोन को चला सकते हैं। क्योंकि हर आर्टिस्ट का जो कोन को होल्ड करने का मेथड होता है या चलाने का तरीका होता है वो काफी डिफरेंट स्टाइल का होता है। जरूरी नहीं है कि जिस तरीका से मैं मेहंदी के कोन को चला रही हूँ या मैं मेहंदी के कोन को होल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से आप कंफर्टेबल महसूस करें मेहंदी के कोन को चलाने में या होल्ड करने में। तो इसीलिए आज पे काफी सारे जो मेथड है मेहंदी के कोन को होल्ड करने के और चलाने के वो आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर आप देखिएगा कि जो तरीका आपको लगता है कि हाँ ये कंफर्टेबल है उसी तरीके को आप अपनाइएगा और उसी से मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा और इससे काफी फायदा होगा क्योंकि काफी हेल्पफुल वीडियो है और काफी सारे मेथड मैंने मेहंदी को होल्ड करने के और मेहंदी के कोन को चलाने के आपके साथ शेयर किए हैं और प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। तो बस आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इससे कितना फायदा हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसे जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर किस बात की है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जो मैं फर्स्ट मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेहंदी के कोन को होल्ड करने का और मेहंदी के कोन को चलाने का वो मेरा अपना तरीका है जिस तरीके से मैं मेहंदी के कोन को होल्ड करती हूँ और चलाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये मेहंदी का कोन ले लिया है और इसे आपको ऐसे ही पकड़ना है जैसे कि आप पैन पकड़ते हैं। सारी टेक्निक हमारी फिंगर और थंब की है के बीच के प्रेशर की होती है, इसे अच्छे से कंट्रोल करना है हमें। तो वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि हम कोन को ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि हम एक पेन को पकड़ते हैं। तो जो हमारी थर्ड फिंगर है उसके ऊपर हम इस कोन को रखेंगे और जो हमारी थंब के पास वाली फिंगर है उसे हम इस कोन के ऊपर इस तरीके से रख देंगे सपोर्ट के लिए और ये जो थंब है इससे हम इसे प्रेस करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब हम मोटी लाइन बनाते हैं ड्रॉ करते हैं तो हम थंब से ज्यादा प्रेशर देंगे तो मेहंदी ज्यादा प्रेस होगी आगे निकलेगी तो उससे हमारी जो लाइन है वो मोटी ड्रॉ होगी और जब हम इसी थंब से प्रेशर कम देंगे तो उसकी वजह से पतली लाइन हमारी ड्रॉ होगी। इस तरीके से मेहंदी के कोन को होल्ड करने में और मेहंदी के कोन को चलाने में मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो मैं इसी तरीके से मेहंदी को लगाती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको वो लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो जब मैं ज्यादा प्रेशर इस पर डालती हूँ थंब से तो हमारी जो लाइन है वो मोटी ड्रॉ होती है। तो देखिए हमारी जो लाइन है वो मोटी ड्रॉ हुई है। अब मैं आपको पतली लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो उसके लिए मैं थंब से जो प्रेशर डालूंगी वो बहुत कम डालूंगी जिसकी वजह से जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल बारीक ड्रॉ होगी। तो इस मेथड से जो मैं मेहंदी लगाती हूँ मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो काफी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और काफी लोगों को मेहंदी लगानी भी आ गई है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी मेहंदी लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं इस तरीके से मेहंदी लगाने में। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बारीक लाइन यहाँ पर बिल्कुल ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ मैंने थंब से बहुत कम प्रेशर डाला है जिसकी वजह से हमारी ये बारीक लाइन ड्रॉ हुई है और जब मैंने थंब से ज्यादा प्रेशर डाला है तो हमारी मोटी लाइन ड्रॉ हुई है। अब मैं आपके साथ मेहंदी लगाने का सेकंड मेथड शेयर करने वाली हूँ। अब कोन को होल्ड करने का और चलाने का जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें कुछ लोग कोन को नीचे से पकड़ते हैं, कुछ सेंटर से पकड़ते हैं और कुछ लोग ऊपर से कोन को होल्ड करते हैं। और किस तरीके से कोन को चलाते हैं वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो कुछ लोग कोन को बिल्कुल नीचे से होल्ड करते हैं, कुछ सेंटर से और कुछ ऊपर से होल्ड करते हैं और किस तरीके से चलाते हैं वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारी जो थर्ड फिंगर है उसके ऊपर कोन को रखेंगे और जो हमारी
थंब के पास वाली फिंगर है उससे फोन को प्रेस करेंगे, इस तरीके से रखते हैं और सबसे नीचे से टिप पर से हम होल्ड करेंगे इस तरीके से फोन को और अब चलाएंगे, और इसमें जो प्रेशर है वो आप थंब से ही डालेंगे, तो थंब को जितना आप प्रेस करेंगे उतनी ही मोटी लाइन ड्रॉ होगी। तो ये तो मैंने आपको सबसे नीचे से कोन को होल्ड करके दिखाया है, अब मैं आपको सेंटर से कोन को होल्ड करना बताऊंगी। तो ये देखिए कि इसमें भी कोन को हमें इसी तरीके से होल्ड करना है जैसे पहले हमने फिंगर्स रखी थी उसी तरीके से रखेंगे, बट अब सेंटर में से हम पकड़ेंगे और अपना जो थंब है वो हम सेंटर में रखेंगे, और अब हम इसे थंब को थोड़ा सा प्रेशर देंगे। तो इसका भी वही मेथड है कि अगर हम थंब से ज्यादा प्रेशर देंगे तो मोटी लाइन हमारी ड्रॉ होगी, और अगर थंब से हम कम प्रेशर देंगे तो पतली लाइन ड्रॉ होगी। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें सबसे ऊपर से कोन को होल्ड करना है, फिंगर्स को सेंटर में हम रखेंगे जैसे कि हमने पहले रखा था उसी तरीके से रखेंगे, बट जो हमारा थंब है वो ऊपर चला जाएगा और थंब से हम प्रेशर देंगे, तो जितना ज्यादा हम प्रेशर देंगे उतनी ही मोटी लाइन ड्रॉ होगी और जितना कम प्रेशर देंगे उतनी ही बारीक लाइन ड्रॉ होगी। तो जो कुछ मेहंदी आर्टिस्ट हैं वो इस तरीके से भी मेहंदी के कोन को होल्ड करते हैं और मेहंदी के कोन को चलाते हैं। तो ये लीजिए, इस लाइन को भी हमने इस तरीके से ऊपर से होल्ड करके ड्रॉ कर लिया है। तो ये तीन तरीके हैं इस कोन को होल्ड करने के, एक बिल्कुल नीचे से, एक सेंटर से और एक सबसे ऊपर से। और ये आपको देखना है, आप पर डिपेंड करता है कि आपको कोन किस तरह से पकड़ना है, आप कंफर्टेबल होकर किस तरह से कोन को चला सकते हैं। और अब मैं आपको थर्ड मेथड बताती हूँ मेहंदी के कोन को होल्ड करने का और चलाने का। तो इस तरीके से मेहंदी लगाने के लिए हमें अपनी फर्स्ट फिंगर को कोन के पॉइंट पर सेट करना है और थंब से उसी तरीके से प्रेशर देना है जैसे कि बाकी मेथड में हमने दिया था। तो अब यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो सारी टेक्निक और सारा गेम फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच के प्रेशर की होती है, बस आपको इसे ही अच्छे से कंट्रोल करना है और फर्स्ट फिंगर को कोन के पॉइंट पर हम सेट करेंगे और फिर थंब से प्रेशर देंगे। तो जैसे ही हम ज़्यादा प्रेशर अपने थंब से देंगे वैसे ही हमारी मोटी लाइन ड्रॉ होगी, और जैसे ही हम प्रेशर को कम कर देंगे तो हमारी पतली लाइन ड्रॉ होगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से भी आपको इस मेथड से लाइन को ड्रॉ करना दिखा दिया है। तो अगर आप चाहते हैं और इस तरीके से मेहंदी लगाने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं। तो मैं एक बार और आपको इसी तरीके से ड्रॉ करके लाइन दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसके पॉइंट पर अपने फिंगर को रखा हुआ है और थंब से मैं इस तरीके से प्रेशर दे रही हूँ और ये लाइन हमारी इस तरह से ड्रॉ हो रही है। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट इस तरीके से भी अपने जो फिंगर है उसे पॉइंट पे रख के और थंब से प्रेशर देकर मेहंदी को लगाते हैं। तो अब मैं आपसे फोर्थ मेथड मेहंदी के कोन को होल्ड करने का और मेहंदी के कोन को चलाने का बताती हूँ। तो इस मेथड से भी बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी को लगाते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने हाथ को इस तरह से सीधा कर लेना है और ये जो आपके थंब के पास वाली फिंगर है उसको इस तरीके से रखेंगे सीधा और कोन को इस तरीके से पकड़ेंगे और हम थंब से इसको प्रेशर देंगे और इस तरीके से भी आप मेहंदी के कोन को चला सकते हैं। और इसके लिए एक बार फिर आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपको फिंगर इस तरीके से रखनी है और थंब को ऐसे रखना है और इसके बीच में आपको ये कोन रखना है और इसे इस तरीके से आप पकड़ेंगे और थंब से फिर आप प्रेशर देंगे और मेहंदी का जो कोन है उसके पॉइंट पर आपके फिंगर होनी चाहिए। तो ये देखिए, एक बार मैं फिर आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। आप अपने हाथ को ऐसे रखिए, इस तरह से खड़ा कर दीजिए और उसके बाद अपने फिंगर को ऐसे रखिए। तीनों ये जो फिंगर्स हैं आपकी बाद वाली, इन्हें आप फोल्ड कर देंगे इस तरह से और अब मेहंदी के कोन को ऐसे पकड़ेंगे और अब थंब से आप प्रेशर देंगे। तो जितना ज़्यादा प्रेशर आप देंगे उतनी ही मोटी लाइन आपकी ड्रॉ होगी और जितना कम प्रेशर देंगे उतनी ही पतली लाइन ड्रॉ होगी। तो ये देखिए, मैं आपको इस तरीके से भी लाइन को ड्रॉ करना दिखा रही हूँ।
क्योंकि मैं इस मेथड से मेहंदी नहीं लगाती हूँ तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे और लाइन मेरी सही से ड्रॉ नहीं हो पा रही है। बट अगर आपको इसमें कंफर्टेबल फील होता है मेहंदी लगाने में तो आप इस मेथड से भी मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मैं शुरू से ही आपसे ये कहती आ रही हूँ कि सबका मेहंदी लगाने का अपना अलग तरीका होता है और किसी का भी तरीका गलत नहीं होता है, बस बात इतनी सी है कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें उसी तरीके को आप अपनाएं। तो अब मैं आपको फिफ्थ मेथड बताती हूँ जिससे हम मेहंदी को होल्ड करेंगे। तो उसके लिए कुछ मेहंदी आर्टिस्ट अपने जो पाम है उसे इस तरीके से रख लेते हैं और इसके ऊपर अपना हथेली को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमारी हथेली है इसके ऊपर हम अपने हाथ को जिसमें कि हमने कोन को होल्ड किया हुआ है इस तरीके से रखेंगे और फिर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। और या अपने कलाई पर भी आप इस तरीके से, जैसे कि हमने हथेली के ऊपर हाथ रखा हुआ है, आप हथेली के ऊपर हाथ को ना रखकर अपने कलाई पर हाथ को रखकर और इस तरह से ऊपर उठाकर अपने हाथ को लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ मेहंदी आर्टिस्ट इस तरीके से भी मेहंदी को लगाते हैं, तो वो मेथड भी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपका जो ये कोन जिस हाथ में आपने पकड़ा हुआ है वो थोड़ा ऊपर रहेगा और हथेली के ऊपर टच करके आप इस तरीके से अपने कोन को चलाएंगे। और इसमें भी सारा खेल थंब का ही है, क्योंकि आप जितना प्रेशर डालेंगे मेहंदी आपकी उतनी ही बाहर आएगी और उतनी ही मोटी लाइन ड्रॉ होगी, और अगर आप कम प्रेशर डालेंगे तो आपकी पतली लाइन ड्रॉ होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ इतने सारे मेथड मेहंदी के कोन को होल्ड करने के और चलाने के शेयर किए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जिस तरीके में भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप उस तरीके से मेहंदी लगाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से आ जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इससे आपको काफी हेल्प भी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।